कम्युनिकेशन नहीं, मैंने कम्युनिकेशन रोक दिया है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ कहा, ये इल्जाम मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और पूरी दुनिया जानती है शिवसेना प्रमुख या उनका बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता, और किसी की सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। उसी दिन समझ में आ गया था कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के व्यवहार से बहुत कुपित, क्रोधित और व्यथित है, और उन्होंने पहली बार अमित शाह और पीएम मोदी पर एक साथ इतना तीखा हमला बोला था। अमित भाई से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको यही कहा कि मैं एक ना एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये मेरा वचन मेरे पिताजी को मैंने दिया हुआ है, अगर आपके साथ आकर वो बन सकते तो आपके साथ, नहीं तो आपके बिना। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीति के तमाम पहिए एक साथ घूमने लगे। शिवसेना ने जिद पकड़ ली थी कि मुख्यमंत्री तो उसी का होगा, और अब वो साझेदार तो बदल सकती है, लेकिन ये इरादा नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति की सूरत बदल रही है। आप जिसे हंगामा कहते हैं, वो हंगामा नहीं है, वो न्याय और अधिकार सत्य की लड़ाई है। बीजेपी मानकर चल रही थी कि शिवसेना ऐसी हिमाकत नहीं करेगी, लेकिन वो सरासर गलत थी। आपस में एक दूसरे के सामने लड़े थे, तो सामने आना है तो हमारे कुछ समान कार्यक्रम होना चाहिए, मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे हमारी जो सरकार चलाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ेगी, एक है। जिस रोज आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे की गाड़ी पहली बार राजभवन में घुसी थी, उसी दिन तय हो गया था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच कोई न कोई सौदा हो चुका है, लेकिन बाहर निकलकर बहाना ये बनाया गया कि हम किसानों के मुद्दे पर मिलने गए थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, बीजेपी मानकर बैठी रही कि शिवसेना जाएगी कहां, और शिवसेना को पवार ने उम्मीदों का ये सिक्का थमा दिया था कि आपका ध्यान किधर है, 5 साल की सत्ता इधर है। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने राजभवन का न्योता आते ही उसे ठुकरा दिया, और शिवसेना के नेताओं ने एक बार फिर से दौड़ लगाई। हमारा क्लेम जारी रहेगा, और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है। जैसे ही शिवसेना का नंबर आया, पवार ने शर्तें रखनी शुरू कर दी। सोनिया गांधी ने अलग से माहौल बनाना शुरू किया। दरअसल पवार दोनों तरफ से खेल रहे थे। एक तरफ वो सोनिया गांधी को भरोसा दिला रहे थे कि वो कांग्रेस पर सांप्रदायिकता का दाग नहीं आने देंगे, तो दूसरी तरफ उद्धव को भरोसा दिला रहे थे कि हम मातोश्री को मुख्यमंत्री निवास बनाकर रहेंगे। राज्यपाल महोदयांचा फोन आला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचा विधिमंडळाचा नेता या नात्यानी, मतलब जिस दिन बीजेपी ने न्योता ठुकराया था उसी दिन से तय था कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की सरकार बनने जा रही, और ये बात अमित शाह तक समझ चुके थे। हमें एक दिन दिया, हमें दो दिन दिया, सबको समय ही दिया है भाई। अब समय है ना, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदय का संपर्क करके वो दावा कर सकता है। बीजेपी ने इसके बाद विचारधारा का सवाल उठाना शुरू किया कि शिवसेना ने अपने बुनियादी मुद्दे छोड़ दिए हैं और ये सरकार नहीं चल सकती, ये टिकेगी नहीं, और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार भी नहीं दे पाएगी। ये एक प्रकार से महाराष्ट्र का काफ़ी इसमें नुकसान होगा अगर होती है तो, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए निश्चित रूप से अस्थिर सरकार ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बीजेपी शरद पवार से उम्मीद लगाए बैठी थी, और पवार अंदर ही अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता की चालें चल रहे थे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय कर रहे थे, सीएम डिप्टी सीएम विधानसभा अध्यक्ष का फैसला कर रहे थे। हम दोनों पार्टियां मिलकर शिवसेना से बातचीत करने मुंबई आए थे। हम तीनों पार्टियों की सरकार स्थापन करने के बारे में और उसके जो भी मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा हुई। इस पूरे खेल में सिर्फ एक नेता ऐसा था जिसे मुकम्मल तौर पर पता था कि सरकार कैसे बनानी है, कब बनानी है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे और किसकी भूमिका क्या होगी, और वो थे शरद पवार। और 22 नवंबर की शाम 7 बजे तक ये बात सिद्ध हो चुकी थी।